आजकल हर इंसान के अंदर ना कुछ ऐसे, ये एक डिज़ीज़ इसको मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बीमारी के एक ऐसी बात जो हमसे मुंसलिक नहीं है या जिसके बारे में ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, उस पर हम ओवर थिंकर जो होते हैं लोग, हाँ वो ओवर थिंकिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि बीमारी की शक्ल ये बाद में अख्तियार करती है जब ये आपकी हद से ज़्यादा अलामात जो है वो बढ़ जाती हैं या ड्यूरेशन में। हाँ, ये ओवर थिंकर ये क्यों है, ये कहाँ से ओवर थिंकिंग आ रही है? ओवर थिंकिंग ख्यालात का जो हद से ज़्यादा आ जाना तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें दिमाग दिया है तो उसमें हमें सोचें आती हैं। अच्छा। और वो सोचें आपके अपने ऊपर मुनसर करती हैं कि किस किस चीज़ों से वो लिंक करती हैं। अच्छा। या वो उसके साथ कैसे जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ख्यालात को आपने कंट्रोल कैसे करना है या फिर उसको आपने मैनेज कैसे करना है, ये आपके अपने अख्तियार में होता है। तो ये हमें पहले देखने की ज़रूरत होती है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं या हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन है या सोचने का जो तजिया है वो किस तरफ है, उसका रुख कौन सा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं।